महानगर के नगर निगम गेस्ट हाउस में बृहस्पतिवार को नगर निगम कार्यकारी समिति की बैठक महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से शहर में साफ सफाई, जल निकासी, टैक्स वसूली की व्यवस्था के साथ ही महानगर वासियों के हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि सफाई व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त बनाया जाए और मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी अपने अपने जोन से संबंधित कार्य सुदृढ़ करें और कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में स्वयं क्षेत्र का निरीक्षण कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। महानगर में जल जमाव एवं जल निकासी की समस्या, वहां पंप आदि लगाकर और जितने भी पंप हाउस बने हुए हैं उसको लगातार नियमानुसार चलाकर उसकी निकासी की व्यवस्था कराई जाए। इस दौरान कार्यकारिणी के सभी सदस्य व नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, इन्होंने इंसान की कटौती की है, वो कटौती की इन्होंने 33,76,804 रुपए 36 और ये लगभग 70,35,000 हिंदुस्तान सिक्योरिटी का है, इसको हम लोगों ने दिया 42,55,097 रुपए। कर्मचारियों का अंशदान है 39,27,782 रुपए है और उस दिन आपके सामने आया था तो कहा था कि हम मेल से भेज दिए। हाँ, मेल से भेजा नहीं और मेल से कुछ नहीं भेजा था। पैसा हमको नगर निगम से चाहिए, उसकी जो हमको निरीक्षण किए थे, जो भी सरकार डॉक्यूमेंट था, हम लोग करता डॉक्यूमेंट था, सब लगाया गया, जो इन्होंने कार्यवाही किया था सब कार्यवाही करके लगाया गया। नहीं, हम है डॉक्टर साहब, ये मुख्य नगर पूछ लिया जाए कि डॉक्टर साहब का सही में हाथ है कि नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरा हाथ ही नहीं है, सब हाथ तो रस्तोगी जी का। माननीय महापौर जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, बोलिए ना सर। आप सब कुछ जानते हैं जी, इसको कहा नहीं कहा तो आप किस लिए मुख्य अधिकारी, आपको किस लिए नगर निगम में आ पाए? जब भी मैंने फोन किया आपने कहा मेरा तो हाथ ही नहीं है, सब तो करता धरता ये है, हमारा तो सब कारभार छीन लिए इन्होंने, कैसा क्या छीन लिया बताइए सदन ये मीटिंग वाला। नहीं, आपको कुछ चाहिए तो उनसे ले लीजिए, हम लोग बैठे हैं, बताइए क्या चाहिए। अगर मृत्यु और जन्म पे साइन करना है तो सिविल लाइन बुलाते हैं। देखिए ऐसा सुनिए, लोग देख सकते हैं कि हमारे डॉक्टर अतुल कुमार साहब का दोनों हाथ अपनी जगह है और इनके चार हाथ नहीं लगे। स्पष्ट है आप मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं तो आपका अपर हैंड है जी, ठीक है, इसको आप महसूस करिए और उस तरह उत्तरदायित्व निभाइए। दोनों लोगों को दो दो जोन दिया गया है, अपने अपने जोन के चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो, सफाई हो, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य जिसमें सफाई भी शामिल है, आप उत्तरदायी हैं। जब अगर कोई ऐसी बात आएगी कि स्वास्थ्य विभाग से एक ही रिपोर्ट आनी है तो उस पर आपके हस्ताक्षर होंगे क्योंकि आप मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, आपका अपर हैंड है। ये सदन भी को भी अवगत कराना चाहता हूँ और आप भी समझ लें अच्छे से। और इसके लिए अलग से कोई जानकारी नहीं, इनका जोन कहाँ से कहाँ तक पड़ता है नहीं, तो आपको जानकारी करनी पड़ेगी। कभी भी वार्ड का भ्रमण नहीं किया, कुछ वार्ड नहीं जानते हैं। ये तो माशाल्लाह, इनकी तो बातें अलग है, ये तो बस जेसीबी के सामने फोटो बहुत अच्छे फोटो अगर दैनिक आप भेजा है सर, उल्टा पुल्टा जवाब मुझे मंच बना के एक लेटर दीजिए, अब 15 दिन का समय दीजिए, अब कह दीजिए किस तारीख को आप तैयार हो जाएगा। सीधा भेजिए पिक्सर के माध्यम से भेजवा दीजिए। अंतिम नोटिस दे दिए माननीय महापौर, अंतिम नोटिस दे दिए, अंतिम नोटिस। अब अगले बिंदु पर चला जाए। आज कार्यकारिणी की बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है और सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण, टैक्स की वसूली पर विशेष बात की गई है और नई व्यवस्था जो सरकार देने जा रही है सफाई की, उस पर भी बात की गई है। और हम लोगों ने कहा मुख्य मुद्दा जल निकासी, सफाई व्यवस्था और अतिक्रमण पर था, हम लोगों ने इस पर सकारात्मक निर्णय किए हैं और सफाई व्यवस्था में हम लोग सुधार करेंगे, अतिक्रमण हटाएंगे
और टैक्स की वसूली जो मानक से कम हो रही है उस पर हम लोग प्रभावी काम करेंगे। और टैक्स की वसूली 20% बढ़ी है पर साल से, इस साल भी और हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। जो भवन जिस पर टैक्स आरोपित नहीं है उस पर टैक्स लगाने के लिए अधिकारियों को दिया गया है। 12,500 ऐसे भवन हैं जो नए बने हैं जिस पर कर आरोपण नहीं हुआ है उस पर किया जाएगा।